Hi guys, good morning. अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठी हूँ और मन भी नहीं कर रहा था उठने का क्योंकि इतनी ठंड थी, बट घर जाना है तो इसलिए मम्मा कब से बोल रहे उठो 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 उठो, बट सीरियसली बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उठने का क्योंकि 5:30 कौन उठता है, बट मैं उठूँगी। सोच रही हूँ क्या करूँ, उठूँ नहीं उठूँ, नींद भी आ रही है। लुक एट माई आईज, आँख ही नहीं खुल रही थी, मुंह तो बहुत दूर की बात है और पूजा दी तो अभी तक सोई हुई है। तो चलो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। पहुंच गए जा रहे गाड़ी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कुछ। बैग को क्या करो, बैग ही पता नहीं कहाँ डाल दिया बैग। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग बैठे, ये कौन सी गाड़ी होती है मुझे पता ही नहीं, इसको गाड़ी को क्या बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, टेम्पू नहीं बोलते यार, टेम्पू है क्या यार, ये टेम्पू तो होता है अलग टाइप का कुछ, ये कुछ आई डोंट नो समथिंग कुछ तो होगा। तो हम इसमें बैठे, हम बस में नहीं जा रहे, हमने सोचा हम जाएंगे कंफर्टेबल होके, और मैं माँ और पूजा दी जा रही है और वो जीजू से हमें बात कर रही है। तो हम ही तीनों जा रहे हैं, बाकी सबको छुट्टी नहीं मिली, भाई पापा किसी को छुट्टी नहीं मिली, दैट्स व्हाई भाभी आ गए थे वापस। सो या देखते अब हमारा सफ़र कब शुरू होता है। गाइस ठंड लग रही है, हम लोग यहाँ पे रुके थोड़ा फ्रेशनअप वगैरह होने के लिए, तक थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाए, और इट्स वेरी कोल्ड, मुझे बहुत ठंड लग रही है यार। तो यार अभी तो हम भद्रवाह पहुँचे ही नहीं है और अभी से यही हाल है। हाय, और पूजू ऊपर है, हाय पूजू। ठंड इतनी लग रही है, ठंड लगते हुए इसको इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है, ये तो आपको पहले ही पता है, कई व्लॉग्स में आपने देखा हो इसको इतनी ठंड लगती है, बाहर भी नहीं आती। मैंने बोला चल यार चलते हैं चाय चूय पी लेते, थोड़ा ठीक फील होगा, बोलते नहीं बहुत ठंड है, फिर मैंने इसको खींच के लेके आया। अभी तो कैसा लग रहा है तुझे, ठंडा लग रहा है, पूरी ढकी हुई है, पूरी ढकी हुई है ये लोग। तो मैं और दीदी आए चाय और आलू का परांठा खाएंगे हम लोग। Guys, here is our breakfast. वो पूजू का breakfast है, वो खाने के लिए तैयार है, साथ में वीडियो भी शूट कर रही है। एक गया, मैं चाय का वेट कर रही हूँ क्योंकि चाय के बिना मज़ा नहीं आता, यू नो, पर मेरे से अच्छी चाय कोई नहीं बनाता। गाइस लोग हम लोग जा रहे हैं मासी के घर। क्या बर्फ जमी है यार, ओ लुक एट दिस, बर्फ जमी हुई है यहाँ पे, इतनी ठंड है, सोच सकते हो आपके यहाँ का टेम्परेचर कितना है, जितना आप सोच सकते। पहले आप ब्यूटी देखो यहाँ की, वाओ। तो आउटफिट बाद में दिखा, मैं ब्यूटी दिखाती हूँ पहले। सो दिस इज माई आउटफिट फॉर टूडे, बहुत मैंने कैजुअल सा डाला हुआ था क्योंकि जींस वगैरह डालने से क्या होता है ना, नसे वसे पक जाते। तुम बैग को मत वो कर देना। तो ओह माय गॉड, ये बर्फ जमी है, देख सकते हो
हाँ भाई हाँ, देखो कितनी बर्फ जमी हुई है, ये देखो पास से दिखाते हैं। हे पीपल, सो हम जस्ट हम लोग यहाँ पे अभी पहुँचे हैं मासी घर। एक्चुअली हम दूसरी वाली मासी के घर पे आए हैं, सो दैट हम लोग थोड़ा फ्रेशनअप वगैरह हो जाएं, तो हम लोग कल ही जाएंगे। फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा फ्रेशनअप हो गई और मैं खा रही हूँ ये पेस्ट्री बन, जो कि मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट है, जो कि मैंने पहले भी आपको ब्लॉग्स में बताया। इट टेस्ट वेरी वेरी गुड और ये जम्मू में मिलता ही नहीं है, तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ भद्रवाह में तो मैं डेफिनेटली ये ट्राई करती हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ बन और इसके बीच में ना ऐसे क्रीम टाइप भरी हुई है, सो आई रियली लाइक दिस बन। वो देख रहे हो बर्फ बर्फ कितनी जमी हुई है पहाड़ों पे, ये देखो। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी शाम हो चुकी है यहाँ पे और इतनी ठंड है, पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा बर्फ जम गई है और अभी मैंने नहाया है तो इसलिए मैंने शॉल लपेटा हुआ और इनर लगाया हुआ, दैट्स इट, क्योंकि मैं अंदर बैठी हुई थी और बुखारी बुखारी मतलब कि आग जलाते हैं उसमें, तो मैं हम वही सेक रहे थे, तो मैं बाहर आई शूट करने के लिए क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा तो दिख नहीं रहा था। यहाँ की जो घर होते हैं ना बड़े मतलब अंदर ना ऐसे अंधेरा अंधेरा सा दिखता है, तो इसलिए मैं बाहर आई शूट करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं अंदर जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है, आई कांट टॉक एनीमोर, तो मैं अंदर जाती हूँ फिर हम थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे। तो मैं ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, होप आपने मेरी जर्नी इंजॉय की होगी। तो चलो गाइस, मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।